500 साल बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर शहर में खुशियां मनाई जा रही है। शहर में जगह जगह बाजारों में प्रतिष्ठानों के बाहर भगवा पताकाएं लगाई गई, गली मोहल्लों में भी घरों के बाहर भी पताकाएं लगाई रखी गई। चौराहों पर बने सर्किलों में भगवा चूनर से सजे नजर आए। शाम को सभी शहरवासी अपने अपने घरों के बाहर दीप जलाकर दिवाली की तरह खुशियां मनाएंगे। हरिशिवा धाम के महंत मायाराम, टब्बर के बालाजी के महंत बलराम दास, संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी, पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत लक्ष्मण दास त्यागी, निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री ने शहर वासियों से शाम को अपने अपने घरों के बाहर दीपक जलाकर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की खुशियां मनाने की अपील की है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का दौर जारी है। सब अपने अपने तरीकों से चीर परिचितों व शहर वासियों को बधाई दे रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि पर बधाइयों का दौर कल रात से ही अनवरत जारी है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के भूमि पूजन होने के उपलक्ष में शहर में मुरली विलास रोड सहित कई स्थानों पर लड्डू बांटे गए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाइयां देने का दौर दिन भर चलता रहा।